उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। वहीं 6वें चरण के लिए पक्ष विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं बलिया के सिकंदरपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवी का कहना है कि जो लोग घरों में बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं उनकी सूची तैयार करो। इस बार जब बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन लोगों को आवास, पेंशन या कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो साइकिल को वोट देगा उसे ही सुविधा भी दी जाएंगी। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट। मगर हम लोग से कह दिए भाजपा के झंडा लगे प्रधान जी, फिर प्रधान जी कहाँ गिल इन लोग पर नजर रख लो, अब सूची बना लिया कहा कि तो 50 को आवास मिली लोहिया आवास 7.5 लाख रुपया के, 7.5 लाख रुपया के आवास मिली गरीब के आवास बनाए थे। आई भाजपा बिताइए भी आ संजय यादव से जब थो दिया तो झूठो लगे बालो हरी भाजपा वाला इनकर सूची जरूर बना लिया। आ इनके नाम ही लेके चाहिए, कतई नाम ही लेके चाहिए। आ जे तोरा वोट दे साइकिल के जो गरीब को बता दे कि भाई तो 7.5 लाख कमा के हमके वोट दे होता। ये जो 2 दिन मेहनत करके बात कर रहा सबसे और 15-15 सौ रुपया महीना वाला फार्म भरवाइया और 7.5 लाख रुपया के इंदिरा लोहिया आवास दिलवावे के काम करिए, ठीक ना। 7 रुपया का अंदाज दिए फूल वालन के भगा कर हटाओ, ठीक ना। हाँ तो ये हम घोषणा करते नहीं तो बताई सब 3 तारीख के साइकिल के वोट दिया ना।